हुआ, ठीक है। तो एपी सेंटर दिस ना, मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। कौन आया भाई, एक मिनट को। अभी स्टार्ट हुआ है इसका ये? ओके चलो सर, अपने आप देख, ठीक है चलो। तो जो हमारा ये सेंटर है ना, ये जो फोकस है, ठीक है, जहां से हमारा डिस्टरबेंस होना स्टार्ट हुआ बेटा, ये जो एपी सेंटर है, ये वो सेंटर होगा जहां से ये जो फोकस है, इसको बिल्कुल अर्थ की तरफ लेके चले जाओ, ठीक है, अर्थ सरफेस की तरफ लेके चले जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट अर्थ सरफेस की तरफ, ठीक है। हम उसको बोलते हैं एपी सेंटर, ठीक, आया समझ? क्योंकि ओके देखो मैम, बेटा, यस मैम, सबसे पहले अगर ये ऐसे गोल गोल यस घूम रहा है, ठीक है, ये अगर ऐसे यस ऐसे गोल गोल घूम रहा है, हमारी वेव्स दिख रही है सभी को, ठीक है, तो ये यस सबसे मैडम, पहले कहाँ पे, तो ये सबसे पहले कहाँ पे सबसे ज्यादा हार्म करेंगी? सबसे ऊपर, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेटली, ठीक है। ये नीचे भी मूव करेंगी, इधर भी करेंगी, इधर भी करेंगी, बट हमारे लिए हार्मफुल किधर होंगी? सबसे ऊपर होंगी, ठीक है, अर्थ की साइड होंगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एपी सेंटर। आया सबको समझ? किसी यस को कोई डाउट? मैम, यस मैम, नो नो मैम, मैम। यस मैम। नो ओके ठीक, मैम, ठीक है, ओके। देखो अब आ गया, अब देखो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें एक चीज लिखी हुई है, मैं आपको बताती हूँ वो क्या है, ठीक है। अब सपोज बेटा, अगर मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, और अगर मेरा मैग्नीट्यूड एक तरफ आया है 6, ठीक है, मैग्नीट्यूड 4, मैग्नीट्यूड 6, किस चीज में आया है? रिचर स्केल में, ठीक है, रिचर स्केल में आया है ये, ओके। अब अगर मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा ना, कि अगर मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है और अगर मेरा मैग्नीट्यूड 6 है, तो बेटा इन दोनों बीच का डिफरेंस पता है कितना है? 1000 times। मतलब कि अगर वो 4 मैग्नीट्यूड अगर कभी आपको देखने के लिए मिला, तो सोचो उसका 1000 time आपको देखने के लिए मिलेगा अगर 6 है तो, ठीक है। मतलब कि अगर किसी स्केल में रिकॉर्ड हुआ है, मतलब अगर रिचर स्केल में रिकॉर्ड हुआ है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो 4 है, ठीक है, और हमारा जो रिचर स्केल है दूसरा, उसमें रिकॉर्ड हुआ है कि जो मैग्नीट्यूड है वो 6 है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 1000 times है। मतलब कि अगर 4 है और 5 है, तो उसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 500 times। 500। समझ रहे हो कितना तेज आएगा, कितना ज्यादा मतलब हार्मफुल होगा वो आपके लिए, ठीक है। ये नहीं कि 4 और 5 में कोई अंतर ही नहीं है, नो, वेरी मच डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, ओके। आया ओके मैम, सबको समझ? यस यस मैम, मैम। यस मैम, थैंक्स मैम, अब हम आ यस मैम, जाते हैं, देखो आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अर्थक्वैक। अगर अब हमें क्या करना चाहिए अर्थक्वैक से बचने के लिए, ठीक है, वी नो फ्रॉम अर्लियर पेज दैट अर्थक्वैक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। हमने पहले पढ़ लिया अभी कि जो अर्थक्वैक है वो प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, अर्थक्वैक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ये आपका ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है कि अर्थक्वैक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। अब आपसे पूछ लेंगे ट्रू और फॉल्स, तो इट इज ट्रू, ठीक है, इट इज ट्रू। We also have seen that they can be highly destructive. It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. बेटा ये लिखा हुआ है कि जो हमारा अर्थक्वेक है, जब ये आता है तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है और हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें हमेशा इसके लिए प्रिकॉशन लेके रखना चाहिए अपने पास, ठीक है, ऑल द टाइम हमें प्रिकॉशन लेके रखना चाहिए। पीपल लिविंग इन द सेस्मिक जोन वेयर द अर्थक्वेक आर मोस्टली लाइकली टू अकर हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड। जो लोग सेस्मिक जोन का मतलब कौन बताएगा जल्दी से? कोई भी एक बच्चा बताओ मेरे को, अभी बताया मैंने ऊपर। मैम जो हमारे लिए हार्मफुल हो। वेरी गुड, ठीक है, और कोई, और कोई बच्चा, ठीक है, ओके। बेटा सिस्मिक जोन वो होता है जहां पे जो
अर्थक्वेक है उसके आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हो, ठीक है, और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो, ठीक। ऐसे रीजंस मैंने आपको कुछ बताया, ऐसे रीजंस बताए थे मैंने आपको कुछ, देखो यहाँ पे थे, रुको वेट, ये रहे, ठीक है। इन इंडिया देखो ये रहा, जितने भी ये जोन लिखे हुए हैं ना, ये सारे सिस्मिक जोन हैं, सारे ये लिखे हुए हैं जो, ठीक है, जितने भी जोन लिखे हुए हैं सारे सिस्मिक जोन्स हैं, मतलब जहां पे जो हमारे अर्थक्वेक है उसके आने के मोर देन 90% संभावना चांसेस, ठीक है, संभावनाएं हो। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब देखो हाँ जी, सेसेमिक जोन समझ आया सबको, द अर्थक्वेक आर मोर, हाँ जी, तो जो सेसेमिक जोन्स होंगे वहां पे सबसे ज्यादा लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है, ऑल द टाइम, ये नहीं कि एक सेकंड के लिए भी छोड़ देना, नहीं, हमेशा। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दीज जोन शुड बी सो डिजाइंड दैट दे कैन विदस्टैंड मेजर ट्रेमर्स, मतलब ये लिखा हुआ है कि जो इस जगह के लोग हैं या इस जगह जो ये जगह है सेस्मिक जोन वाली जो जगहें हैं वहां पे क्या होना चाहिए कि जो बिल्डिंग्स हैं वो ऐसे डिजाइन होनी चाहिए कि चाहे कितनी ही तेज ट्रेमर आए, ठीक है, कितनी ही तेज डिस्टरबेंस हो, बट जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वो ना गिरे। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन कैन मेक इट पॉसिबल, जो हमारी मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब जो आजकल की जो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है वो उस चीज को पॉसिबल करती है कि कितने ही मेजर ट्रेमर्स आ जाएं पर हमारी बिल्डिंग ना गिरे। तो यहाँ पे ऐसी सेस्मिक जोन्स में हमें ऐसी ही टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, ठीक है। इट इज एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सो सिंपल दैट इट इज क्वैक सेफ। क्वैक सेफ मतलब पता है, डिस्टरबेंस सेफ, ठीक है, अर्थ क्वैक, अर्थ का डिस्टरबेंस हो जाना, तो क्वैक सेफ, ठीक, समझ आया सबको कि जो नॉर्मली जो एडवाइस होती है लोगों की वो ये होती है कि जो हमारा घर का या फिर जो बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, वो सिंपल हो और क्या हो, क्वैक सेफ हो, मतलब जो डिस्टरबेंस सेफ हो, कितना ही डिस्टरबेंस आ जाए वो चीज ना गिरे। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं और जो इंजीनियर्स हैं हमें उस उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, उनसे डिस्कस करना पड़ेगा इस चीज के बारे में, ठीक है। इन हाईली सिस्मिक जोन्स द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन यूजिंग हेवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखो बेटा, जो मिट्टी होती है ना वो मतलब ऐसे जोन्स में यूज होनी चाहिए अपने घर बनाने के लिए, अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, ना कि जो हमारा जैसे सीमेंट हो गया, हेवी हेवी मटेरियल जो होता है वो यूज नहीं होना चाहिए, ठीक। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल, जो हमारी छत होती है उसको जितना लाइट हो सकता है उतना ज्यादा लाइट, मतलब उतना ही ज्यादा कम वेट रखना चाहिए, ठीक है। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी। सपोज अगर जो स्ट्रक्चर है वो हमारा गिर जाता है तो हमें ज्यादा हार्मफुल नहीं होगी, ठीक है, ज्यादा डैमेज नहीं होगा। इट इज बेटर इफ द कबर्ड्स एंड शेल्व्स आर फिक्स्ड टू द वॉल सो दैट दे नॉट बी फॉल इजिली। जो हमारी शेल्फ्स और कबर्ड्स है, मतलब जो हमारी अलमारियां हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वॉल पे सेफ होनी चाहिए, वॉल पे फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, मतलब वो वॉल के अंदर बनी होनी चाहिए, समझ रहे हो कैसे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो जैसे जो हमारी अलग से सेफ लेते हैं हम, ठीक है, सबको पता है सबके घर में होती है आयरन वाली जो सेफ होती है वो, ठीक है, तो वो एकदम से गिर सकती है अगर डिस्टर्बेंस आया, बट अगर कुछ चीज उसके अंदर फिट है दीवार के अंदर तो क्या होगा, इतनी ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। बी केयरफुल वेयर यू हैंग योर वॉल क्लॉक्स, ठीक है, आप कभी भी कोई भी हैवी चीज को हैंग नहीं करोगे अपनी वॉल पे, ठीक है, जैसे क्लॉक हो गई, ठीक है, फोटो फ्रेम्स हो गए, वाटर हीटर्स हो गए, इन सब चीजों को ऊपर हैंग नहीं करोगे, ये आपके ऊपर गिर सकती है और आपको हार्म हो सकता है। सिंस बिल्डिंग्स कैन कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक, ठीक है, अब क्या हो सकता है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वो फायर को कैच कर सकती हैं, किसके दौरान, अर्थक्वेक के दौरान। इट इज नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग्स स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन इन वर्किंग ऑर्डर। आपने देखा भी होगा कि जितने भी बिल्डिंग्स होती है उन सब में एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, ठीक है, क्यों लगा होता है, जिससे जो अगर हमारी कभी बिल्डिंग में आग लग जाए तो उस चीज को हम बचा सकें, ठीक, सबको समझ आ रहा है, यस मैम, यस मैम, तो नहीं चल रहा मैम, मैम,
मैम आपकी आवाज नहीं, मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आवाज कट रही है ऐसे। यस मैम, तो अभी कैसे मैम नहीं आ रही मेरी आवाज। एक मिनट, सभी अपने कैमरा ऑफ करो सबसे पहले, सारे जल्दी से कर लो। नीतीश बेटा कैमरा ऑफ कर लो। लो मैं भी कर लेती हूँ, ठीक है? अब आ रही है मेरी सही से आवाज? पल्लवी बेटा कैमरा ऑफ करने के लिए बोला है, आपने ऑन कर लिया। अब आ रही सब मेरी आवाज बेटा क्लियर? यस मैम, यस मैम, यस मैम। और जो हमारी का एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने क्या किया है कि जो क्वैक रेजिस्ट हाउसेज है उन्हें पता है कि कैसे बनाने हैं। मतलब जो अगर क्वैक अर्थक्वैक भी आता है तो वो जो हमारे घर हैं वो गिरे ना, ठीक है। उन्होंने ये चीज लॉन्च की है। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वैक डज स्ट्राइक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर आपको कभी अर्थक्वैक स्ट्राइक करे, मतलब अगर कभी आपको अर्थक्वैक महसूस हो, तो आपको ये सब चीजें करनी चाहिए। क्या सब चीजें? इफ यू आर एट होम, ठीक है, अगर आप एक अगर आप अपने घर में हैं तो क्या करेंगे आप किसी भी टेबल के नीचे रुक जाइए, ठीक है, कब तक? जब तक जो हमारी शेकिंग है वो स्टॉप नहीं हो जाती, ठीक। स्टे अवे, ओके। आपको किन चीजों से दूर रहना है? जो ऊंची चीजें हैं और या फिर जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर रहना है। कभी मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है, कट के आ रही बेटा बीबी? नो मैम। भावना जी प्लीज बेटा अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, और अगर किसी को मेरी आवाज कट के आ रही है तो बेटा दोबारा से कनेक्ट कर लो, ठीक है। ओके, मैंने बताया कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर अगर आप किसी टॉल ऑब्जेक्ट पे हो के पास हो तो आप उससे दूर हो जाइए, ठीक है। इफ यू आर इन बेड गो डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद द पिलो। अगर आप बेड पे हो तो आप कहीं जाओ मत, आप बिल्कुल कुछ मत हिलो, बस आपको अपना जो हेड है वो अपना पिलो से कवर कर लेना है। क्यों कर लेना है बेटा? जिससे आपके ऊपर कुछ चीज ना गिर जाए, ठीक है। इफ यू आर आउटडोर्स फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइंस, ड्रॉप टू द ग्राउंड, ठीक है। मतलब ये कि आपको एक तो बिल्कुल क्लियर जगह ढूंढ लिया, मतलब बिल्कुल एक साफ मैदान ढूंढना है जहां पे बिल्डिंग्स ना हो, ट्रीज ना हो, या फिर कोई ऐसी चीज ना हो जो आपके ऊपर गिर जाए, ठीक है। और आपको इलेक्ट्रिक पोल्स से भी दूर रहना है, ठीक। इफ यू आर इन अ कार और बस डू नॉट कम आउट, अगर आप कहीं पे कार या बस में हैं तो आप बाहर मत आइए, और आप ड्राइवर को बोलिए कि वो धीरे धीरे ड्राइव करे, कहाँ पे? क्लियर स्पॉट पे, क्लियर जगह पे ड्राइव, क्लियर जगह तक ले जाए। डू नॉट कम आउट अंडर द ट्रेमर स्टॉप। आपको कब तक बाहर नहीं आना है बेटा? जब तक जो हमारा भूकंप है वो चला ना जाए, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम, नो मैम, नो मैम, बेटा देखो चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, तो मेरे हिसाब में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा आस्क मी टुमारो, ठीक है। तुम आप मुझसे कल पूछ सकते हैं आराम से, नहीं तो फिर कल मैं आपसे पूछूंगी ये 12 के 12 क्वेश्चंस, ठीक है। कल मुझे ये सारे क्वेश्चंस खुद बताओ, क्योंकि मैंने एक एक लाइन पढ़ाई है, अब तो पता होना चाहिए क्या क्या है चैप्टर में। किसी को कुछ बोलना है? मैम बात आप क्या सुन डालोगे क्या ग्रुप में? जी बेटा, मैम आप क्या सुन डालोगे क्या ग्रुप में आज? हाँ जी, मैं शायद आज ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकती हूँ, ठीक है, शायद, अभी फाइनल नहीं है, ठीक। और मैं डालूंगी तो मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। सर आप लोगों को सेंड कर देंगे ग्रुप पे, और प्लीज सब ग्रुप पे ऐड हो जाओ सर के साथ, अगर कोई बच्चा ऐड नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं फिर बच्चे बोलते हैं मैम हम ऐड नहीं है, ठीक है। ओके ओके मैम, और चलो सभी को बाय, ठीक है, बाय मैम। Bye, 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 b